दोस्तों नमस्कार। हमारे नल जल के जितने भी अनुरक्षक भाई लोग हैं, काफ़ी दिनों से कॉल कर रहे थे कि नल जल का अनुरक्षक का जो केस हाई कोर्ट में हुआ था वह क्या हुआ नहीं हुआ। तो आज 17 जनवरी है, 17 जनवरी के अभी हम पटना के हाई कोर्ट में आए हुए हैं और पटना के हाई कोर्ट के जो वकील साहब हैं प्रमोद राजपति जी आज मेरे साथ हैं, तो मैं इनसे बात करूँगा। एक दस्तखत करना था हमें एक फाइल पर, जिसके कारण इतना लेट हो रहा था। आज मैंने 17 तारीख को दस्तखत कर दिया, तो ये फाइल जो है कब तक कोर्ट में हो जाएगा बताएंगे। आज के प्रमोद जी सिग्नेचर कर दिए हैं। 17 तारीख है, 19 तारीख को केस हम लोग का माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हो जाएगा। 19 तारीख को दाखिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये है कि हम लोग पहले नोटिस जो होता है वो एडवोकेट जनरल साहब को रिसीव हम लोग करा देते हैं, उसके बाद ही फाइल होता है। तो हम ये सोच पा रहे हैं कि हो सकता है कि 1 महीने से 2 महीने के अंदर प्रत्येक ब्लॉक में नोटिस पहुंच जाएगा और बाकी प्रक्रियाएं जो है सो अब उन लोगों को जवाब देना है हाई कोर्ट में। अब वो जैसे ही हाई कोर्ट में लोगों का जवाब आएगा तो फिर आगे प्रक्रिया बढ़ेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1 से 2 महीना में सभी प्रखंड में नोटिस चला जाएगा और उसके बाद जो भी जवाब आएगा वह जवाब मिलेगा और आगे की जानकारी जो है आप लोगों को इसी तरह मैं देते रहूँगा। तो आप लोग समझ गए, फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं या मैसेज करें व्हाट्सएप पर, आप लोगों को जो भी कुछ कहना होगा। फ़ोन कम करें ताकि कि हम लोग परेशान हो जाते हैं फ़ोन के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी बात को रखें। विशेष मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।